आइए सबसे पहले हम रुख करते हैं सीधा बनारस का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात सामने रख रहे हैं लोगों के बीच में हुआ। साथियों, भारतीय रेल की सूरत और सीरत बदलने वाले अनेक कदम बीते 4.5 वर्ष में उठाए गए। दिल्ली से काशी के बीच चल रही देश में बनी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण है। इस ट्रेन को लेकर अनेक चिट्ठियां मेरे पास आई है। देश के लोगों में एक उत्साह है, गौरव का भाव है कि इतने दशकों बाद ही सही भारत को एक विश्व स्तरीय ट्रेन मिली है। लेकिन इस ट्रेन को कुछ लोगों द्वारा जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। मुझे जो चिट्ठियां मिल रही हैं, उसमें लोग बहुत ज्यादा आहत हैं। इसे देश के हर इंजीनियर का, हर टेक्नीशियन का अपमान बता रहे हैं। भारत का मजाक उड़ाने की मानसिकता से घिरे ऐसे लोगों से देश के प्रत्येक नागरिक को, देश के हर नौजवान को सतर्क रहना आवश्यक है। काशी के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताइए, ये वंदे भारत ट्रेन बनाने वाले इंजीनियरों के लिए हमें गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारा माथा ऊंचा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या इंजीनियरों को अपमानित करना उचित है? क्या टेक्नीशियनों को अपमानित करना उचित है? क्या दिन रात देश के लिए काम करने वाले लोगों का मजाक उड़ाना उचित है? क्या क्या ऐसी मजाक उड़ाने वालों को माफ किया जा सकता है? सही समय पर सही सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, ऐसे दौर में जब आप सभी राष्ट्र निर्माण के लिए, देश में कुछ नया करने के लिए जी जान से जुटे हैं, उस समय मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि नकारात्मकता से घिरे इन लोगों की इन हरकतों से निराश होने की जरूरत नहीं है।